सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। तो आज बहुत ही टाइम के बाद आज ब्लॉग जो है हमारा, एक हम जो शूट कर रहे हैं यार, टाइम ही नहीं मिला। सही बोलूँ ना मैं आपको, मतलब बिल्कुल फुर्सत ही नहीं थी हमें। मतलब ये जो 2-3 महीने गए हैं तो मतलब क्या बताऊँ यार, क्या वक्त था हमारे साथ और क्या था, तो इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए। तो चलो आज का जो सफ़र है हमारा, आज हम जा रहे हैं शाहदरा शरीफ। तो काफ़ी टाइम से नहीं जा पाए थे, तो आज जा रहे हैं हम, दुआ भी करेंगे। तो मेरे साथ यासिर है और पापा बैठे हैं मेरे साथ फ्रंट पे, तो जा रहे हैं। चलो आज हम आपको शाहदरा शरीफ का जो है ना ज़्यारत करवाएंगे आज आपको। बहुत ही खूबसूरत ज़्यारत है हमारे शाहदरा शरीफ में, लोकेटेड है ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी में। तो यार मैं इतना ही बोलूँगा कि आप आओ इस जगह को ज़्यारत करो, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो गाइस अभी हमने मम्मा को ड्रॉप किया है, वो मैं दिखाना भूल गया आपको यार, मम्मा थोड़े बीमार थे तो अभी उनको स्कूल में ड्रॉप किया हमने। साथ में उनकी एक टीचर भी थी, कुलीग थे उनके, स्टाफ मेंबर थे साथ में, उनको भी ड्रॉप किया। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, आपको दिखा दूंगा। रोड की कंडीशन कुछ ऐसा ही है शाहदरा शरीफ की, कुछ इस टाइप की। बीच बीच में बड़ी सही हो चुकी है यार ये, और थोड़ा बहुत ख़राब तो है ही है यार, बट ये है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली बात है। ये देखें आप, यासिर को प्रॉब्लम हुई थी रात को, कुछ ये बताना चाहता है यासिर, क्या हुआ तुझे रात को, क्या नींद नहीं आई? रात को नींद नहीं आ रही है। अच्छा, प्रॉब्लम है तेरी ये? सबसे पहली बात ये है, तैयारी करके मैं सोया था, फिर जागा मैं। अच्छा, फिर मैंने रात को ऊपर गया, चाय पी है मैंने। अच्छा, साथ में वो रोटी खाई थी ना, वो खाई मैंने, उसके बाद फिर नींद नहीं आई 2:30 बजे। अच्छा, तो उसके बाद 2:30 बजे सोया थोड़ी देर, फिर अंकल आया जगाया, बोलते जल्दी फटाफट टाइम हो रहा है। ओ, इतनी लंबी कहानी सुना रहा है, शार्ट वाली बता ना, प्रॉब्लम क्या तुझे? शार्ट में यही प्रॉब्लम है कि नींद नहीं आ रही है, बस नींद नहीं आ रही है। जिनको ऐसा लगता है कि तो आंखें भरी है नींद से, बता नहीं लड़का रात को सोता क्यों नहीं। रोड बड़ी खूबसूरत हो चुकी है माशाल्लाह। तो कश्मीर से बहुत सारे लोग जो है विजिट करने वाले हैं इस बार हमारे शाहदरा शरीफ ज़ियारत को। पीर की गली जो है विद इन डेज खुलने वाली है, और उसके बाद होने वाला है यहाँ से बहुत सारा ट्रैफिक, पर अब भी इंशाल्लाह कश्मीर की तरफ रवाना कर जाएंगे। इस बार हमारा जो प्रोग्राम है इंशाल्लाह बंगस वैली कुपवाड़ा का रहेगा इंशाल्लाह, और गुरेज वैली, बहुत ही मज़ा करने वाले हैं गाइस इस बार हम। कुछ हाल आ चुका है रोड का बीच में, मैं तो सामने जो आपको टॉप दिख रहा ना, बस वो है मुगल रोड का लास्ट पॉइंट। वैसे मुगल रोड यही है, वो पीर पंजाल रेंज है यार, उसी को क्रॉस करने के बाद कश्मीर शुरू हो जाता है यार। बहार के दिन आ गए यार, फाइनली जो बाहर फिर से स्प्रिंग सीजन वापस आ चुका है। बसाख का मौसम यार, बहुत अच्छा टाइम होता है यार ये, जब जब पेड़ जो है नए नए पत्ते निकालते हैं, फूल निकलते हैं। और जो आज जो सही सीजन होगा जो कश्मीर में स्टार्ट होगा स्प्रिंग सीजन, यार क्या बताऊँ यार, आज क्या क्या नज़ारा होगा उधर का। बट मुगल रोड खुले तो इंशाल्लाह हम कश्मीर में होंगे। इस जगह से ना पैराग्लाइडिंग हो सकती है, मैंने बड़ी बार देखी है जगह, इस जगह से बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त जगह, यहाँ से पैराग्लाइडिंग हो सकती है इस जगह से, शाहदरा का ये मोड़ है शाहदरा शरीफ। तो गाइज़ मेरे पापा ने बताया कि हम जब पैदल आते थे इस रास्ते से आते थे, वो आपको दिख रहा है वहाँ पे कुछ दुकानें होती थी, कामरेड की शॉप थी वहाँ से, और इस रास्ते से ये पैदल आते थे, इस रास्ते से थाना मंडी जब ये स्कूल जाते थे, ये रास्ता आप देख सकते हैं, और यहाँ से ये पैदल जाके शाहदरा शरीफ अपना जहाँ घर है वहाँ पर जाते थे गाइज़। क्या वक्त था यार, मेहनत जो की है इन लोगों ने की है यार, हमने तो सिर्फ मेहनत को बर्बाद ही किया है, इन लोगों ने मेहनत की है गाइस। और अपनी गाड़ी आज रात को धुलवा के लाई है हमने, धुलवा के खुद धो ली थी यार हमने। तो ये कुछ कंडीशन है इसकी, तो यार मैं बता दूं आपको, मेरी हेडलाइट्स जो है ना वो किसी ने ठोक दी थी यार गाड़ी की फ्रंट लाइट्स, तो मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उसने गाड़ी मेरी ठोकी और मेरी गाड़ी की नई हेडलाइट पड़ चुकी हैं। और ये देखें ये वाला भी यहाँ से टूट चुका है, ये वाला हेडलाइट तो मस्त हो चुकी हैं। पापा जो हैं वो पुराने टाइम को याद कर रहे हैं यहाँ पे, कि हम इस टाइम से यहाँ से आते होते थे, और ये सारा अपना अनाज जो था ना अपना, ये सब यहीं से लेके जाते इस रास्ते से भाई, यहाँ से दरिया। वो यार सल्यूट करता हूँ इन लोगों को यार, उन्होंने बहुत मेहनत की है, और उनका फल भी इनको मिला यार। हमें तो कुछ नहीं किया। 4 साल पढ़ाई, ये देखो कश्मीरी जहाँ होता ना वैसे बैठ जाता है, जैसे ट्रक से उतरता ना नीचे, ये हालत हो जाती है इसकी। संतोष के साथ फोटोग्राफी सेशन चल रहा है, ये मेरे बना रहा, मैं इसके बना रहा हूँ फोटो आज।
अबा दुआ कर रहे हैं, ये हमारे दादा दादी की यहाँ पे कब्र है, जगह पे ये पूरा कब्रिस्तान है ये वाला। इतना सुकून है जगह पे, मैं क्या बताऊँ आपको। रमज़ान में एक्चुअली पब्लिक कम है तो इसकी वजह से यहाँ पे बिल्कुल खामोशी है, लेकिन जब रमज़ान के बाद यहाँ पे देखना क्या होगा। ये एक ऐसा पेड़ है जो हमेशा इसके साथ फल रहता है, हमेशा। ये वो स्कूल है जहाँ पे मुझे मम्मा अपने साथ लाया करते थे जब उनकी जॉब यहाँ पे थी, बिल्कुल ज़ियारत के बिल्कुल साथ में ये स्कूल है। ये देखें ज़ियारत का मंज़र, वाह वाह। तो गाइस इतनी पुरसकून जगह है यार ये, मैं क्या बताऊँ आपको कसम से यार, मज़ा आ जाता है यहाँ पे आके, बहुत मज़ा। तो अभी हमने ज़ियारत की है, दुआ की, नियाज डाली, और सब जितने भी यूथ हैं ना यार, जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, सब के लिए मैंने दुआ की है कि अल्लाह उनको सबको यार मतलब अच्छी से अच्छी नौकरी दे और अच्छे से अच्छा काम दे यार। काम भी यही, अपने हाथ से मेहनत से करोगे तो इंशाल्लाह भूखे नहीं मरोगे यार। सब कुछ जॉब नहीं होती, तो थोड़ा बहुत अगर थोड़ी मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह अच्छा भी हो सकता है आपके साथ। तो गाइस ये देखिए यहाँ से, ये जो नीचे ये ट्रेस ऐसे बनाए हुए पूरा, मतलब इस पे गार्डन टाइप है ये नीचे वाला, तो ऐसे यहाँ से ऊपर का ये रास्ता है, और ये जो नीचे ये पूरी मार्केट है यहाँ पे गाइस। यहाँ पे पहले ये रोड नहीं थी जहाँ पे अभी हमें ये रोड जो अभी नया बना है, और ये नीचे पूरी मार्केट है, और यहाँ पे नीचे मेरा घर है, बिल्कुल इस बिल्डिंग के बिल्कुल आगे मेरा घर है। ये जो बिल्डिंग दिखी आप बिल्कुल इसके साथ में, ये बहुत हाइट से मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो अब तो रोड ऊपर टॉप पे भी चली गई है, वो वहाँ पे भी, यहाँ पे नीचे मेरा घर है भाई, यहाँ पे शादा शरीफ की मार्केट। ये है मेन गेट, यहाँ से अंदर जाके आपको वहाँ से भी रास्ता है, आप जा सकते हैं, गाड़ी है तो इसलिए हम यहाँ से ऊपर आते हैं, बट ये रास्ता है, और ये नीचे पूरी मार्केट है यहाँ पे। यहाँ नीचे मेरा घर है, यहाँ ये रास्ता जो जा रहा है भाई, बहुत ही खूबसूरत जगह है यार, माशाल्लाह। ये रास्ता मेरे घर में, एक्चुअली जो रोड है ना वो यहाँ से ऊपर जाती है, हम इधर से ऊपर गए थे, लेकिन ज़ियारत का जो मेन रास्ता पहले पुराना यही था, यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से। तो ये ज़ियारत आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे एस्टैब्लिश इस पहाड़ के बिल्कुल नीचे, ये देखें आप। आज रमज़ान है चल रहा तो कोई पब्लिक नहीं यहाँ पर, लेकिन यहाँ बहुत रश होता है। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने घर के बाहर, बैठे हैं यहाँ पर हम, तो इतना मज़ा आ रहा है, इतना सुकून है, मैं आपको क्या बताऊँ क्या मज़ा। और एक देखना, मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पे, ये यहाँ की खेतीबाड़ी देखो भाई, फूल देखो कितना बड़ा लगा है यार यहाँ पे, और ये कुछ इस तरह का नज़ारा है यार। ये अपना यासर भाई फुल टू पावर यहाँ बैठा हुआ एंजॉय कर रहा है, पत्ते हिल रहे हैं भाई, ये देखो, ये अपनी ज़मीन यहाँ पे नीचे, यहाँ पे जी भाई। तो यहाँ पे हमारा बचपन बहुत ही कम बीता है, क्योंकि थोड़ी सारे हमने बचपन में यहाँ से अपना मतलब जल्दी से शिफ्ट हो चुके थे हम रजौरी में, लेकिन यह है कि हम यहाँ पे आते जाते रहते थे, उसकी वजह से यहाँ की यादें बहुत सारी साथ में जुड़ी हैं। और गाइस ये बता दूँ, ये हमारा जो घर है ज़ियारत के बिल्कुल साथ है, विद इन 100 मीटर में हमारा ये घर जो है, इसकी लोकेशन है। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो कोई भी यहाँ पर अगर विज़िट करता है शादा शरीफ में, अगर कोई भी यहाँ पर रहना चाहता है तो हमारे घर में आके रह सकता है, मोस्ट वेलकम। खासकर कश्मीर से हो, मतलब अब तो मुगल रोड खुलने वाली है, कहीं यहीं पर आके वो रह सकता है आराम से, बिना टेंशन, आओ, मोस्ट वेलकम। विद इन 2 or 3 days के अंदर अंदर हमारी जो मुगल रोड ओपन होने वाली है, काम चल रहा है उसमें, और आप आओ और यहाँ पे आराम से आके यहाँ पे विज़िट करें, और जितना हो इस वीडियो को जितना हो शेयर करें। फर्स्ट टाइम इन डिस्ट्रिक्ट रजौरी, तहसील थन्ना मंडी, पंचायत शादा शरीफ में फ़र्स्ट टाइम होम स्टे जो एक ओपन हुआ है, फर्स्ट टाइम लाइफ, फर्स्ट टाइम इन डिस्ट्रिक्ट रजौरी होम स्टे, फर्स्ट टाइम इन डिस्ट्रिक्ट रजौरी होम स्टे।